हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। और आज का हमारा सेशन होने वाला है साड़ी ड्रेपिंग पे। फर्स्ट सेशन विल बी ऑन साड़ी ड्रेपिंग। सो ज्वाइन क्विकली एंड विल स्टार्ट इन अ 2 मिनट्स। सब तब तक जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हेलो मैम, हेलो फॉलोइंग। किसी के भी अकाउंट फॉलो नहीं होंगे, आपको ही सिर्फ ये अकाउंट को फॉलो करना है। दिस इज द प्राइवेट अकाउंट, सबको आपको ही फॉलो करना है। यहाँ से कोई अकाउंट फॉलो नहीं होगा। सो गुड आफ्टरनून। और आज का जो ड्रेपिंग सेशन है, हमने हेयर सीखा, हमने मेकअप सीखा, उसके बाद द वे वी आर वेयरिंग अ स्टाइलिश वेयर, सिंपल भी होना है तो भी कैसे परफेक्ट प्लीटिंग होनी जरूरी। साड़ी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका परफेक्ट शेपिंग, आपकी परफेक्ट प्लीटिंग। प्लीटिंग भी क्या मैटर करती है वो भी जरूरी है। स्लिम है, थिन है, थिक है, कैसे है, उनके अकॉर्डिंग हमें प्लीट्स एडजस्ट करनी होती है। और क्लोथ्स देखना है, नेट वाली साड़ी है, शिफॉन साड़ी है, कॉटन साड़ी है, तो साड़ी पे भी बहुत फर्क पड़ता है आप क्या ले रहे हो। ओपन पल्लू रखना है तो कैसे लेना है, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी बात को ध्यान में रख के एक एक स्टाइल हम सीखेंगे, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली ये टाइप के क्लाइंट तो आएंगे ही आएंगे। एक नॉर्मल साउथ इंडियन साड़ी पहनना है, ऑब्वियसली 100% प्रैक्टिकल क्लाइंट वो वेयर करते ही है। गुजराती स्टाइल, लॉन्ग गुजराती स्टाइल, गुजराती में भी स्टाइलिश वेयर स्टाइल, फिर फिश कट स्टाइल पहनेंगे, नौवारी स्टाइल पहनेंगे, सावारी करेंगे, नौवारी करेंगे, देवसेना स्टाइल करेंगे, रेट्रो स्टाइल करेंगे, बहुत सारी स्टाइलिंग हम आज सीखने वाले हैं। स्लोली स्लोली बढ़ते हैं, पहले मैं आपको परफेक्टली प्लीटिंग करना सिखाती हूँ कि प्लीटिंग किस तरह से होती है। सो फर्स्ट साड़ी हम लेते हैं गुजराती स्टाइल में। यस, कमेंट कमेंट एक एक साड़ी के बाद आपका ऑन होगा, फिर आपको दिखाया जाएगा। सो फर्स्ट स्टाइल गुजराती स्टाइल में सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है आपको, कभी भी कोई साड़ी आपके हाथ में आती है तो पहले चेक करो साड़ी का क्या टेक्सचर, कॉटन है, नेट है, कौन सी स्टाइल की है, सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड है, वो बहुत मैटर करता है। एंड नेक्स्ट थिंग आपको देखना है, अगर मेरे क्लाइंट है तो क्लाइंट थिक है, थिन है, अकॉर्डिंग टू आपकी प्लीट्स मैटर करती है, राइट। गुजराती में सबसे ज्यादा प्लीटिंग आपकी मैटर करती है, बिकॉज ये आपका पार्ट, यहाँ से थाइस का पार्ट टाइट नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। सी, दिस इज हर गुजराती साड़ी। और साड़ी में, गुजराती में मेन उनका क्या होता है, पल्लू इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने गुजराती साड़ी में मार्क किया रहेगा, उन लोग का सबसे ज्यादा हैवी पल्लू हैवी रहता है, इसीलिए वो आगे दिखाते। अगर हम बंगाली ले लेते तो क्या होता है, पल्लू पूरा पीछे भरा हुआ पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये स्टाइल में हम क्या करेंगे, चलो वेरी फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपका बैक साइड सी, अगर उन्होंने फॉल लगाया हुआ है तो ये बैक साइड इनका डाउन साइड रहेगा, और यहां से आपका वे, ये देखो ये उल्टा है एंड दिस इज हर फ्रंट। तो ये फ्रंट से आपको स्टार्ट करना है टूवर्ड्स हियर, और आपकी साड़ी ऑलवेज आपकी फोर लेंथ पे होनी चाहिए, फ्लोर लेंथ सी। अगर बहुत बड़ी हील पहनने वाले हैं तो पूछ लेने का, हील भी पहन के रखने का, बट वो समटाइम क्या होता है, घर से निकलते वक्त हील पहनते हैं और पूजा के फंक्शन में जाते वहां पे हील बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा उनसे गाइडेंस ले लेने का कि थ्रू आउट द फंक्शन आप हील पहन के ही रखने वाले हो या सिर्फ वेन्यू तक आप हील पहन रहे हो, फिर हील पहन
निकाल के आप काम करने वाले हो, तो क्या होगा पूजा में जाएंगे फिर क्या होता है साड़ी अपने पैर से भी नीचे रहती है, तो वो आपका माइनस नेगेटिव पॉइंट हो गया कि आपने साड़ी परफेक्ट नहीं पहनाई। हमारे पूछने में मिस्टेक हो गई कि हमने उनको नहीं पूछा, आपने जाने वाले हो तब तक ही हिल्स है कि आप थ्रू आउट, कोई कोई शादी में जाता है तो ऑब्वियसली घर से निकलेगा घर पे रिटर्न आएगा तब तक उनके पैर में हिल्स रहने ही वाली है, तो ये एक मैटर हो जाता है। फिर अभी सी एक मिनट, दिस इज दी फ्लोर लेंथ, अभी मैंने इनका कोई हिल्स वगैरह नहीं पहना है तो दिस इज दिस फ्लोर लेंथ साड़ी, इतनी नीचे तक आपकी फ्लोर टच साड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट को थोड़ा सा नीचे चाहिए तो आप और थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर सकते हो, बट इसके ऊपर लेंथ नहीं जानी चाहिए। ओके टर्न, अभी कभी भी साड़ी पहनाते वक्त क्लाइंट को टर्न होने बोलना है, ना कि आप उनके राउंड एंड राउंड घूम, गॉट इट। और इम्पोर्टेंट बात, जब भी अगर क्लाइंट के थाइस थोड़े से ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी प्लीट लेनी होती है, आप साइड में वन प्लीट ऐसे ले सकते हो, ताकि क्या हो कभी कभी ये टाइट हो जाता है तो बैठने उठने में साड़ी फट जाती है, होता है ना, या उनको बहुत टाइटनिंग होता है फिर, तो दिस इज द रीजन आप एक दो प्लीट्स एक यहाँ पे ले सकते हो, बट अगर स्लिम है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है। आपका मेकअप सिंपल है सिंपल, बट आपकी साड़ी परफेक्ट नहीं हुई ना तो आप वहां पे मार खा जाओगे, तो आपका हर मूवमेंट हर एक चीज सिंपल से सिंपल भी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे यहां तक मैंने साड़ी लेके आई, मैंने देखो पूरा राउंड पीछे से ऐसे पूरा लेंथ मेरा फ्लोर लेंथ ही है, उसके ऊपर अगर गया तो नीचे से थोड़ा सा ऐसे पुश कर लो, हल्का सा खींच लो, ठीक है। टर्न बैक, अब पहले प्लीटिंग करेंगे। अब पूरी साड़ी को गुजराती स्टाइल है तो गुजराती स्टाइल आपकी राइट एंड शोल्डर पे होता है, तो बैक साइड से टर्न करके सी यहां पे, ये हो गया आपका गुजराती स्टाइल का पल्लू। अब इसकी प्लीटिंग हम पहले करेंगे, पहले तो कौन से शोल्डर पे होता है वो ध्यान रखो। अब ये गुजराती स्टाइल राइट एंड शोल्डर, ओके। अब कितना ज्यादा रखना है, अब मेरा नीचे का जो पार्ट है साड़ी पूरा प्लेन सीरीज है, गॉट इट, और मेरा पल्लू है वो हैवी है, पल्लू कितना हैवी है यहां तक है, सी आपने मार्क किया यहां तक उसका प्लीट है, तो ज्यादा लंबा करूंगी तो ये प्लेन सीरीज मेरी आगे आ जाएगी, सो नॉट गुड। और इतना रखती हूं तो ये क्या है मेरी मॉडल, थोड़ा सा उनको कम ज्यादा चाहिए वो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। अभी यहां तक इसका वर्क है, ये हम पूछ सकते हैं दिस इज ओके लेंथ, शोल्डर अपनी नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर लेना है, हाँ, और अगर मैं थोड़ा सा अगर और ऊपर करूं तो भी चलेगा, क्योंकि क्यों थोड़ा ऊपर लिया तो चला, बिकॉज मेरी जो मॉडल है वो पतली है, पतले लोगों को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो चलता है, इसी की जगह पे कोई ठीक लेडी रहती तो मैं उनको नीचे जो मेरे नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर उतना लेंथ जरूर से लेना है, तो ये डिफरेंस हो जाता है किसको ऊपर लेना है किसको नीचे तक रखना है, गॉट इट। ये एक पार्ट क्लियर हुआ, अब हम इसमें प्लीटिंग करते हैं। प्लीटिंग के लिए यही साइड, यहां से मैंने जो साइड मैंने इनकी ली है यहाँ पे शोल्डर पे लग रखा है राइट, यहां से, तो यहां से आपकी प्लीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज ये वाला सेक्शन क्या है आउट होने वाला है बाहर होता है, और यहां से अंदर मैंने यहाँ पे पकड़ा, ये मेरी साइड में जो आता है वो इन साइड का पल्लू आएगा, आउट ये बाहर, तो यहां से मुझे कितना लेना है अकॉर्डिंग टू हर शोल्डर, पतली है तो मुझे ज्यादा नहीं लेना है तो मैंने इतना लिया, सी दिस इज इनफ फॉर छोटी थीन लड़कियों को, बस हो गया। अगर इसकी जगह पे कोई ब्रॉड होता तो मेरा पल्लू इतना ब्रॉड में रखती थी, क्यों नहीं रख बड़ा क्यों रखना है, जब थिक वाले इंसान मतलब कोई हेल्दी रहते हैं उनको थोड़ा ब्रॉड क्यों रखना है, नहीं रखते ना तो साइड का पोर्शन उनका दिख के आता है, सी अगर मैंने इनको भी अगर मैं छोटा रखूंगी ना तो क्या प्रॉब्लम होगा, सी एकदम छोटे में भी एकदम पतली लड़कियां रहती है ना जीरो फिगर उनको चल जाती है, पर थोड़ी सी भी अगर थिन रही तो क्या प्रॉब्लम है, रैंडमली एक दिखा देती हूँ सी ये देखो है ना, ये साइड से सो दिखता है ना वो हेल्दी लोगों पे और ज्यादा बल्कि दिखता है,
तो ये नहीं करना है। ये कितना लेना है, छोटा बड़ा आप एक बार समझिए। कोई हेल्दी आता है तो भी आप उनको छोटा दे देते हो, पतला दे देते हो, तो नहीं चलता है। अभी प्रॉपर प्लीटिंग सीखते हैं। प्लीटिंग आना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही आपका पूरा फिनिशिंग मैटर करता है। यहां से मैंने इतना लिया, ये प्लीटिंग नहीं आती है जिनको। आज का आपका होमवर्क है प्लीटिंग। देखो एक मेरा आगे आया तो दूसरा मेरा ये साइड आना चाहिए, दोनों ऑपोजिट आना जरूरी है, तो ही आपका परफेक्ट बना है प्लीट्स। ये प्लीट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसको थोड़ा सा मूवमेंट दो ताकि सारे प्लीट्स एक साथ हो, एंड देन यहाँ पे आपके क्लाइंट को बोलना है थोड़ा सा ऊपर पकड़िए। लुक, अभी कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे तक जाना है, यहाँ पे लोगे फिर वापस यहाँ पे लोगे, दो बार लेने से बेटर है। आपको जजमेंट है, आपको इतना तक जाना ही है, तो डायरेक्टली आपके जो फिंगर्स है, हैंड की फिंगर्स होती है, उससे मेजरमेंट आप लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट डाली, ये इतनी चाहिए मुझे, ये मेजरमेंट से लिया, मेरे पूरा फिंगर ये इतना है, ठीक है। फिर ये इतना, वापस वापस वापस, ठीक। ऊपर कितना भी प्लीटिंग कैसा भी होने दो, मुझे छोटा करना है बड़ा करना है, मैं यहाँ से सब कुछ कर सकती हूँ। सी, एक भी प्लीट्स बाहर नहीं आएगी, यहाँ से भी बाहर नहीं आएगी, एक ये साइड तो दूसरी ये साइड करी है, परफेक्ट। हो गया, परफेक्ट है इनके लिए, बॉर्डर भी एकदम परफेक्ट है इनके बॉडी के हिसाब से, और शेप ये ऊपर नीचे देख लीजिएगा, कितना नीचे रखना है कितना ऊपर रखना है। पिन डालने के पहले ऑलवेज क्लाइंट को पूछ लो, दिस इज ओके, मिरर में उनको बता दो, नहीं तो क्या होगा, फुल साड़ी होने के बाद जब वो मिरर में देखने जाएंगे तब वो बोलेंगे नीचे चाहिए था या थोड़ा ऊपर चाहिए था, फिर आपको पूरी साड़ी खोलनी पड़ती है। इससे बेटर एक सेकेंड का टाइम लेके उनसे कन्फर्म करवा लो। अब पिंस ऑलवेज आपकी कैसी होनी चाहिए, ऐसी ऑलवेज, ये स्टाइल, ना कि खड़ा, स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज दिस वन। थोड़ा सा मैं आगे जूम करना चाहिए, दिख रहे तो शॉर्ट वीडियो के लिए। सी, अभी मैंने यहाँ पे, अगर बहुत बल्की होता है तो आप इसको पहले अटैच कर दो, बट ये बल्कि बिल्कुल साड़ी नहीं है तो मुझे जरूरत नहीं है, बट ये आपको दिखाने के लिए, कभी कभी नहीं होता है तो आप इसको ले लो। और ये इनका शोल्डर है, शोल्डर से थोड़ा सा पीछे की साइड में आप पिनिंग करो ताकि पीछे से तुरंत गिरे। ये मैंने इनका साड़ी पकड़ लिया, दूसरी पिन ली, यहां से लिया, दिख रहा है अभी, सी अंदर की साइड डालो, फिर ये साइड एंड पिन, पहले अंदर डाल के बाहर खींचोगे तो प्रॉपर पिनिंग बैठेगी। सी आड़ा ऑलवेज ऐसे होना चाहिए, ना कि बहुत लोग ऐसे पिन डालते, तो दिस इज दी रॉन्ग पिन, आपका ये स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। ये पिन मुझे जरूरत नहीं है तो मैं ये पिन को निकाल दे रही हूँ यहाँ पे, सी परफेक्ट। अभी फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट में बाद में थोड़ा सा सेट करते हैं, इसके पहले पीछे से पूरा प्लीटिंग सेट कर लेते हैं। नीचे का प्लीट्स बनाना है, बैक क्यों मुझे, अभी बैक, ये बैक ऐसे रखेंगे तो चलेगा, नहीं चलता, ये भी आपका परफेक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो जब भी आप पहले यहाँ पे लगा लो, फिर आपका इसका एडजस्टमेंट और फिर फ्रंट एडजस्टमेंट। यहाँ पे भी कहाँ पे पिन होनी चाहिए, ये आपका जो ब्लाउज का टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे आपकी पिन आनी चाहिए। यहाँ पे रख के पिन करोगे तो क्या होता है, ऐसा प्रॉपर यहाँ पे रहेगी तो ये हिलेगा ही नहीं बॉडी से, तो ऑलवेज मार्क करना है यहाँ पे आपका पिनिंग यहाँ पे आना चाहिए।
इसके लिए भी ऐसे ही रैंडमली पकड़ के लगा नहीं देने का। सेम वे यहाँ पे भी इसी तरह से आप प्लीटिंग करो ताकि मैनेजेबल प्लीटिंग, अच्छे से प्लीटिंग रहे एंड देन यू कैन जस्ट डू योर पिनिंग। बट मेक श्योर आपकी पिन अंदर से रहे, अगर नहीं हो रही है, नहीं पॉसिबल है और आपका क्लोथ ट्रांसपेरेंट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट पल्लू उठा लो और एकदम एडजस्ट पे यहां से आप बाहर ले लो। सी पिन भी नहीं दिखेगी और आपको अंदर से इतनी मेहनत भी नहीं। बट ये कब पॉसिबल है, जब आपका पल्लू ट्रांसपेरेंट नहीं है तो। नहीं तो क्या होगा, नेट वाली साड़ी रहेगी या ट्रांसपेरेंट रहेगी तो पिन आपकी दिख के रह जाएगी, बाहर से दिखेगी। ये विदाउट ट्रांसपेरेंट साड़ियों में आप कर सकते हो, बहुत हैवी दुपट्टा रहता है तब भी आपका अंदर से पिनिंग डालने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेस्ट वे फर्स्ट प्लीट, बट ये फर्स्ट उठाते हो तो मेक श्योर इसका जो टर्निंग का एंड हो रहा है आपकी पिनिंग यहीं पे होनी। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट पल्लू और लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये एक मार्क करना पॉइंट, यहाँ पे हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से अब मैं आगे लेती हूँ साइड, ये साइड का, ठीक है। इसमें दिख रहा है अब यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आपको जहां से जम रहा है वहां से स्टार्टिंग करते हैं एंड जस्ट चेक। सी हैंड मूवमेंट्स प्लीटिंग्स एक जैसी होनी चाहिए। दिखने में बहुत सिंपल होती है बट जब आप पहनाते हो ना, ईच थिंग, एक एक चीज आपकी नोटिस होती है। सी अभी ये वाले जब गुजराती साड़ी पहनाते हो तब ये वाला पार्ट आपका प्लेन आता है, जब साउथ इंडियन पहनाते हो तब ये लेफ्ट हैंड साइड जाती है। मेक श्योर आपको ध्यान क्या रखना है, राइट पल्लू है, प्लीट्स भी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए और ये फ्लैट होता है। जब आप साउथ इंडियन पहनाते हो तब आपका ये साइड है तो ये साइड के डायरेक्शन में जाता है और यहाँ पे अंदर हाथ डालने का पॉइंट होता है, ठीक है। तो अभी मेरी गुजराती साड़ी है तो मैं गुजराती साड़ी के हिसाब से ये साइड, इसको ऑलवेज इस तरह से क्लीन करो और क्लाइंट को यहाँ पे पकड़ने बोलना है। एक एक प्लीट्स आपकी सामने थोड़ी सी, हाँ सामने सामने बैक साइड थोड़ा बैक, हाँ बस और बैक और बस। अब ये देखो ये जो पूरी है अभी इसको मुझे ये देखो अनइवन है, एक साइड से भी इवन नहीं दिख रही है तो हमें इसको एक एक को बिठानी है, इवन करना है। बैक साइड से स्टार्ट करेंगे या फ्रंट से स्टार्ट करो, यहां से मैं एक एक ले रही हूँ, फर्स्ट लिया सेकंड लिया, ठीक है। अब इसको हाथ से आयन करेंगे, ऐसे बिठाएंगे। अभी ये तो फॉलिंग साड़ी है इसलिए बैठ जाती है, कोई कोई एकदम स्टिफ साड़ी रहती है तो उसमें आपको आइनिंग भी घुमा सकते हो ऐसे पकड़ के। सी तीसरा नीचे के साइड से ही मैनेज करना है और ये देखो यहाँ पे देखो प्रॉपर नहीं है ना, इसको मैं क्या करूंगी, नीचे से लेके आई तो देखो ऊपर से नीचे तक का शेप आ गया। अब इसको मुझे एक साथ बिठाना है तो इस तरह से हाथ घुमा देंगे, बैठ गई। सी ऑलवेज नीचे से ऐसे लेके आओ और इस तरह से उसको बिठाओ। सी नाउ सी अब यहां से जो भी ऊपर नीचे है मैं एक साथ ले लूंगी, हो गया परफेक्ट। बट इसको एकदम से साथ में नहीं रखेंगे हम, इसको थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड, ये स्प्रेडिंग में रखना है, इसका लुक स्प्रेडिंग में बहुत अच्छा लगता है। सो यहां से मैं पिन कर देती हूँ बैक साइड, आप ये इसकी जगह पे आप सुई धागा भी यूज कर सकते हो थ्रेड, और इसको हम एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऐसे अच्छा लगता है, यहाँ से ही निकला हुआ स्लिम रहेंगे ना, जो एकदम पतले रहेंगे दे प्रिफर लाइक कि यहाँ से उनका फुल थाइस के हिसाब से कमर पूरा शो हो यहाँ से। सी बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये आपका यहाँ से आ जाता है तो इट लुक गुड, बहुत अच्छा प्यारा लगेगा।
पतले लोगों को पहनाते हो तो, बट यही चीज आप हेल्दी लोगों को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज उनका ये और ज्यादा शोकेस होता है, तो डोंट डू दैट। तो उनके लिए क्या करना है, ये जो चीज है आपको ये पैटर्न यहाँ पे आपको ये लंबा रखना है, ठीक है, यहां तक लेके आओ उनके लिए, उनको ये पूरा कवर कर दो यहां तक, और ये जो चीज आई यहाँ पे इसको हमें यहां से इसे परफेक्टली फिट कर देते। अब गुड, लुकिंग गुड, परफेक्टली प्लीट्स, हाथ से बिठाओ साड़ी को। अब यहां से ये जो आगे तो कितना यहां से परफेक्ट टाइट होना चाहिए फिटिंग, और यहां पे आपकी पिन, पिन कहां करते हो आप? ब्लाउज में, पीछे उधर पूरा ब्लाउज में, यहां पे कैसा लग रहा है ब्लाउज में पिन करते हैं? तो कभी भी नहीं करना है आपको ब्लाउज में पिन की जगह पे, यहाँ पे आपको पिन्स करनी है, ये जितना एड होता है ना यहाँ पे करो, यहाँ पे भी नहीं चलेगा, क्या होगा अगर वर्क वाला रहेगा तो साड़ी ऐसे होती रहेगी, होता है ना जनरली, इसके एजेस पकड़ो और यहाँ पे करो, नो ब्लाउज, आज से कोई ब्लाउज में पिनिंग नहीं करेगा, यहाँ पे ही करना है और ऊपर से नहीं करेगा, हाथ अंदर डालो अंदर से करो, ये अच्छी खासी है तो मैं इसका ये खोल देती हूँ यहाँ पे, आगे टर्न, कितना अच्छा लग रहा है, यहां से भी फॉल अगर छोड़ दिया तो कैसे, कोई भी सिंपल स्टाइल में भी स्टाइलिश करना है ना तो वो हमारे पे ऊपर, हमारे ऊपर है कि किस तरह से अब इसको मैनेज करना है, ऐसे छोड़ेंगे चलेगा, आगे से कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अनमैनेजेबल अनप्रेजेंटेबल, सो इसको हमें प्लीट्स को, ये तो ऐसे अच्छे से बैठी है बट ये आपका गिर रहा है ना यहाँ से, ये सब प्लीट्स कैसे गिरी हुई है, इसको आपको इस तरह से एक दो तीन चार यहां से पांच छह बट ये सबको साथ में मर्ज नहीं करना है आपको, रखना अलग अलग ही है, एक 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 अलग अलग, अब इसकी पिनिंग कहां होगी, ये ब्लाउज का जो एंडिंग पार्ट है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे होती है, बहुत लोगों की नीचे होती है, नीचे तो बहुत रेयर होती है, सबकी पिन यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, इससे क्या होगा ये अभी भी ऐसे गिरता ही रहेगा, इसको बिठाना है तो आपकी पिनिंग ब्लाउज के एंड पे आनी चाहिए, मतलब ये यहाँ पे, गॉट इट, इसका भी एक ही फंडा, ऊपर से लगाना है तो ऊपर से कर सकते हो, अंदर से हाथ नहीं डालना पॉसिबल है, कभी कभी क्या फुल पैक ब्लाउज रहता है तो हाथ कहां से डाल, तो यहां से आप कर सकते हो, यहां पे भी आप थ्रेड का यूज कर सकते हो, स्टिच करने का पार्ट यहां पे भी आप कर सकते हो। मैम ब्लाउज का एंड्स ये यहाँ पे, ये जो है ना मैंने यहाँ का नहीं दिखाया हटा के, ये देखो इसका जो ये पॉइंट होता है ना यहाँ पे, ये टर्निंग पॉइंट, तो इसका भी मैंने यहाँ का टर्निंग पॉइंट लिया है। अब यहाँ की बारी आती है, गुजराती में समटाइम्स अगर हैवी बॉर्डर रहता है या बैठता नहीं है तो क्या करना है आपको इसको परफेक्टली बिठाने के लिए, जो फर्स्ट बॉर्डर्स है इनको हमें यहाँ से नीचे से पिन कर दो, ये पकड़ी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे, मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया है कि कैसे आपको पिनिंग करनी है,
सी फर्स्ट पिन ली इसके साथ में, यहाँ पे मैंने इसको पिन, या आपके पास सुई धागा रखो फटाफट से हो जाएगा। सेकेंड आगे के एल्बोस 3 से 4 लेयर पे आपकी एकदम कम पिन दिखे नहीं वैसी एकदम टर्निंग वाली पिन डालने की और स्मॉल साइज की सी। इतनी पिन यूज करने से बेटर आप क्या कर सकते हो इसकी जगह पे सुई धागा का यूज, बट मैचिंग नहीं है तो पिन ही बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप पिन डालना है तो यहाँ पे आप इनसाइड से डाल सकते हो। दैट्स इट। टर्न फुल टर्न फिर से टर्न फुल टर्न दे दे टर्न फट्ट। So this is how the first look done. Nice ma'am, thank you. I hope this technique is useful in your life and ये technique से आप follow करना, perfect pleating करना, जरूर से practice करना and आपकी स्टोरी पे अलग अलग वेरिएशन डालना, रील बनाना, बहुत कुछ करना। यस पिनिंग जूम करके दिखाऊंगी नेक्स्ट में, डोंट वरी। और हमने शॉर्ट वीडियो ली है, मैं पिनिंग के वो शॉर्ट वीडियोस मैं डाल दूंगी आपको पोस्ट पे ये ही आईडी पे, सो डोंट वरी। ये वाला लास्ट वाला फ्री टाइम सीधा कर। हाँ हाँ शोल्डर की प्लीट्स और एक बार एक्सप्लेन कर लेना प्लीज मैम, निडल एंड थ्रेड के साथ कैसे करते हैं एक वो करके दिखाइए ना प्लीज मैम, मैम के साथ कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर आपको फोटोज लेने हैं तो आप ले लीजिए, मैं कमेंट्स ऑफ करके फिर से ऑन कर दूंगी। फुल बैक पे टर्न फ्रंट वन साइड दे फुल फ्रंट
तो कमेंट्स ऑन कर देती हूँ मैं। क्वेश्चंस है, विच वन इज बेटर टू डू सेफ्टी पिंस और थ्रेड? सी, बहुत बार क्लाइंट क्या होता है कि पिनिंग ज्यादा करके फट जाती है साड़ी, तो आप थ्रेड यूज कर सकते हो कोई कोई जगह पे, जहां पे आपको सेफ्टी पिन यूज करना है वहां पे सेफ्टी पिन ही चलेगा। शोल्डर की प्लीट्स और एक बार एक्सप्लेन करना प्लीज मैम। नीडल एंड थ्रेड के साथ कैसे करते हैं एक साइड, वो करके दिखाइए ना प्लीज। सी, आपकी नीडल और थ्रेड ना यहाँ पे पॉसिबल है, ये आपको पिन करना है, यहाँ पे पॉसिबल है फिर बैक, यहाँ पे आपको पिन ही लगेगा, यहाँ पे आप थ्रेडिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ चार की है, बाकी आप फ्रंट में भी मैंने यहाँ पे पिन की है, यहाँ पे भी आप थ्रेडिंग से यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आप थ्रेड यूज कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट जो शोल्डर पे मेन पिन होती है यहाँ पे, वो आपकी पिन से ही होगी, सेफ्टी पिन से ही होगी। हाँ, सेफ्टी पिन पे भी कभी कभी बने तो आपके सेफ्टी पिन में छोटा सा मोती बीट्स डाल दीजिए। क्या होता है कई बार सेफ्टी पिन फंस जाती है साड़ी में, साड़ी में बड़ा सा होल दे देता है, आपका छोटा सा डॉट रहेगा तो वो साड़ी को हार्म नहीं करेगा। ओके मैम, आयन के साथ कैसे प्रिपेयर करें? आयन के साथ कैसे प्रिपेयर करें, यहाँ पे अगर आयन करनी है तो इसमें आयन कैसे होगा, यहाँ पे मैं पकड़ूंगी आयनिंग घुमाऊंगी। आयनिंग में साउथ इंडियन साड़ी में आपको वैसे भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से आयन घुमाते हैं साड़ी को। ओके, विल मूव ऑन टू सेकंड स्टाइल, गरारा दुपट्टा ड्रेपिंग बताइएगा। यस, आएगा, डोंट वरी। किसी किसी साड़ी में प्लीट सेट नहीं होती, नहीं होती है तो आप उसको आयन घुमा के करो। ये इसीलिए मैंने बहुत सारी अलग अलग स्टाइल की साड़ियां ली हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हर टाइप की साड़ी मैंने ली हुई है, हर स्टाइल के दुपट्टे अलग अलग है, किसी के नेट है, किसी के शिफॉन है, तो आपको किस तरह से मैनेज करना है वो समझ में आएगा। एक ही टाइप की साड़ी नहीं है, हमारे पास चार पांच अलग अलग वेराइटी साड़ी है, तो डोंट वरी। ओके मैम, एक मैम, फ्रंट की प्लीट्स पर आपने वर्टिकल पिन लगाई है ना यहाँ पे? हाँ, ये डजेंट मैटर, आप कैसे भी लगाओ, मेन मैटर यहाँ की पिन होती है, शोल्डर पिन। शोल्डर पिन आपकी स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज ऐसी होनी चाहिए, ये आपका प्लीट पकड़ के रखेगा, ये आपका प्लीट को आगे फेंक देता है ना। ये आपने भी अगर पहनाते रहोगे तो मार्क किया रहेगा कि ऐसे डालने से पल्लू ऐसे आगे गिर जाता है, और ऊपर से हम पीछे भी करना भूल जाते हैं तो और आगे आ जाता है। मैम, ये कितने यार्ड की साड़ी है? 6 यार्ड्स। सेफ्टी पिन कौन सी ब्रांड की अच्छी है? आई थिंक आपको कैसे चेक करना है पता है, कभी भी मार्केट में लेने जाओ तो ये डॉट चेक करो, एक तो डॉट शार्पन होना चाहिए, दैट्स इट। मैं तो लोकल ब्रांड है, मेरी कोई ब्रांड नहीं है, बट बोलते हैं ना शार्पनेस अच्छी चाहिए, प्लीज ऐसे चेक करो, डॉट नहीं आना चाहिए बीच में, नहीं तो कई बार ये ब्रेकेज हो जाता है, टर्निंग रहता है, वो चेक करके ले लो, और यहाँ पे हाथ लगाओ शार्पनेस है कि नहीं, या आपके पास कोई कपड़ा रहेगा तो वो कपड़े पे एक बार चेक कर लो, और बने उतना बंच एक ही साथ वो कंपनी का ले लो, बॉक्स का बॉक्स, ताकि एक ही जैसी आपको मिलती रहे पिंस। अगर आपको पिंस चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, विल कुरियर पिंस। सो यहाँ पे अभी हम साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी कर रहे हैं, एंड माय नेक्स्ट मॉडल पे हम वर्क करेंगे, सेम फंडा, इसमें भी आपका फॉल देखना है, एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ, बाद में क्वेश्चंस पूछूंगी। मेरी साड़ी कम पड़े, साड़ी कम पड़े तो क्या करना है आपको, पिंस लगा दो, सेफ्टी पिन लगाओ या एक थ्रेडिंग का धागा। क्या होता है कई बार अंदर डालने का पार्ट बहुत कम बचता है, तो कई बार निकलने का चांस जल्दी हो जाता है, तो ये चेक करना, टर्न। और साउथ इंडियन साड़ी आपकी कैसी होनी चाहिए, एकदम मस्त प्लीट और टाइट फिटिंग अच्छे से बैठनी चाहिए, जब आपकी मॉडल स्लिम है तब मेक श्योर, जब भी जैसे डाल रहे हो नीचे का पार्ट ध्यान रखना है, ऊपर नहीं आ जाना, नहीं तो क्या होता है इतना पूरा डालना है, चलो डाल दिया, ये डाल दिया, क्या हुआ नीचे से दिख गया, कोई मैटर नहीं है, आपको साड़ी परफेक्ट पहनानी है। सी, मेरे फ्लोर लेंथ के लिए बहुत कम बच रहा है, इतना सा ही बच रहा है, बट मुझे इतना ही डालना है, आपको सेफ्टी चाहिए, आपके थ्रेड ले लो या तो फिर
बीच बीच में एक दो तीन सेफ्टी पिन से उसको टक कर दो, ये बेटर ऑप्शन है। और एक बात बोलना भूल गए, जब भी टाइट फिटिंग का पहनाना है मोस्टली ब्राइड अभी प्रीफर करती है डिको, तो ये आप पहना सकते हो जिससे ये अच्छे से शेप देने के लिए आपको काम आता है। जो लूज वाले पहनते हैं उससे मे भी बल्की हो जाता है थाइस का पार्ट, तो ये आप जब भी ब्राइड या कोई आती है बुकिंग के लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हो और कर भी दो, ताकि आपके ही लुक में अच्छा दिखे आएगा। एक अगर अगर गलती से ऊपर हुआ है तो प्लीज आप उसको ऐसे या नीचे से ऐसे खींचो, ज्यादा नहीं खींचना, नहीं तो एक तो डाला कम है सी बाहर आ गए। अभी इसकी सेम, अभी ये कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट या राइट साइड? लेफ्ट साइड, राइट। एक टर्न ले लिया मैंने इसको एंड ये मेरी राइट हैंड साइड में क्या होता था, गुजराती आना, बट ये भी मुझे अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है ना। दिस इज दी ओपन पल्लू भी कर सकते हैं और क्लोज वाला भी कर सकते हो। ओपन लेना है तो आपको रैंडमली ऐसे ओपन नहीं डाल देना है, क्या होता है रैंडमली ओपन डालने की वजह से सी ये ऊपर आगे इतना और नीचे ऐसे आ जाता है, तो आपको ओपन डालना है, प्लीट डालनी है, स्टिल आपको प्लीट बना के ही उसको आपको ओपन करना है। मैं अभी सिर्फ रैंडमली आपको दिखा रही हूँ सी, यहाँ पे मैंने रैंडम, कोई जरूरत नहीं है कि अच्छे से परफेक्ट प्लीटिंग, बिकॉज मुझे ओपन ही रखना है, बस मुझे एक मेजरमेंट चाहिए कि ये इक्वल रहे यहाँ से, यहाँ पे ये पकड़ के रखा है मैंने, नी लेंथ तक लेना है, यहां तक नी लेंथ तक लिया, फिर आप इसको छोड़ दो। ये आपका मेजरमेंट होता है जब आप ओपन पल्लू के लिए लेते हो, तो देखो ये टर्न करो हाथ, देखो इक्वल लेंथ आएगा, ये अगर कम ज्यादा है तो इन्होंने आगे कम पकड़ा है, तो और ऊपर थोड़ा खींचो, सी एक लाइन आई अभी, तो ये मेजरमेंट आप ओपन पल्लू के लिए कोई भी साड़ी में करते हो, कोई भी कपड़े की साड़ी में मेजरमेंट के साथ उसको ओपन कर, और जब ओपन पल्लू करते हो तो पिनिंग यहाँ की जगह पे यहाँ पे करो बैक साइड और एक यहाँ पे बस, क्योंकि क्या होता है ओपन पल्लू ना थोड़ा सा आउट होता है ऐसे, हल्का सा आउट होता है, ये साउथ इंडियन में प्रॉपर यहाँ से पिनिंग आती है, बट जब ओपन रखते हो हल्का बैक साइड पिनिंग होती है, गॉट इट। यहाँ पे मैं एक पिनिंग करके दिखा देती हूँ कि पिनिंग कैसे होनी है, फिर मैं इसको ओपन कर दूंगी। ऑलवेज नी लेंथ तक आपका पल्लू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे करो सी ऑलवेज ना पिन, ये आपका लाइन है पिन का, तो पिन यहाँ तक, यहाँ से पहले डालो ये एरिया पकड़ो, फिर यहाँ से खींच के आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इधर पिन डाली, तो ये प्रेशर थंब मैंने प्रेशर दिया यहाँ पे खींचा, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे डालने के लिए सी, यहाँ से आउट आया, अब मुझे इसको ये साइड डालना है, तो मैं थंब से ये पिन को धक्का दूंगी यहाँ पे, ये देखो, और फिर इसको थंब की हेल्प से ही अंदर डाल दूंगी एंड सी, आई मेरी क्रॉस पिन। तो ये थंब का कमाल है, डायरेक्टली अगर मैं डालती हूं तो क्या होगा, जनरली विदाउट थंब अगर आप मेजरमेंट से करते हो तो क्या होता है, ऐसे एकदम कॉर्नर पे डालोगे तो कॉर्नर से ऊपर जाता है, इसीलिए कभी भी एकदम कॉर्नर से पिन स्टार्ट नहीं करें, दिस इज योर रॉन्ग पिन, क्योंकि मैंने कॉर्नर से स्टार्ट की इसलिए मुझे आगे मूव करने के लिए स्पेस नहीं था, तो पिन ऑटोमेटिकली ऊपर गई, पिन ही मैं अंदर से स्टार्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये आउट आएगी, गॉट इट। चलो पिनिंग का फटा क्लियर, अभी प्लेट्स बनाते हैं इसमें, फिर बाकी का तो पूरा इक्वली सेम ही आएगा, ओपन पल्लू लो या क्लोज पल्लू लो, कंटिन्यू करूं या फिर क्लोज पल्लू वाला कंटिन्यू करते, प्लीट करके, अच्छा प्लीट करके फुल, ओके प्लीट करके करते, चलो सेम यहाँ से साड़ी देखने की टर्निंग ना हो साड़ी की, पूरी एक ही लाइन में साड़ी होनी चाहिए, यहाँ से ये लेंथ जो है यहाँ से आपका हैंड मूवमेंट्स यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा बैक साइड है साड़ी का, फ्रंट साइड मेरे बैक में आना चाहिए,
मेरे सामने साड़ी का ऑपोजिट पल्लू आना चाहिए और मेरे लेफ्ट हैंड साइड से मैं प्लीट करना स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। और इसके भी मेजरमेंट से इतना ले लूं सी। अगर आपको नहीं जम रहा है छोटा तो पहले बड़ा ले लो, फिर हैंड मूवमेंट से आप मेजरमेंट करो। हाथ का मेजरमेंट सिखाया ना वो करो। सी, ये कैसी साड़ी है, बैठती ही नहीं, आपको इसको बिठाना पड़ेगा क्योंकि ये बोलते ना काइंड ऑफ टेरी कॉटन, वो पहली थी वो फॉल वाली थी, फॉल फैब्रिक। कौन सी साड़ी बोलते ये देखो मेजरमेंट से मैंने किया, बट क्या हुआ यहाँ पे तो राइट आया, बट ये भी पीछे का भी मेरा यही सेम डायरेक्शन आ गया, तो नहीं चलेगा। या आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सडन एट द टाइम आप इसको उल्टा कर दो और फिर जब नीचे से मेजरमेंट करोगे तब आप करना। बट यहाँ से मेरी प्लीट मैंने थोड़ी ज्यादा ली है, मैं ट्राई करूंगी कि उसको थोड़ा सा कम करके परफेक्टली बिठाओ। 1, 2 परफेक्ट बैठी। एक ये साइड एक ऑपोजिट साइड, क्यों, क्योंकि मेरा मेजरमेंट एकदम परफेक्ट बैठा, थोड़ा भी 19-20 किया तो ये आगे पीछे नहीं आया। एक ये साइड आना चाहिए, आगे का पल्लू मेरी साइड आना चाहिए, बैक साइड ऑपोजिट साइड, मतलब आपका परफेक्ट बैठे। अभी इसको बिठाने के लिए थोड़ा सा शेक, ओके, एंड जस्ट होल्ड। अब इसकी प्लीटिंग करते हैं। अभी इसकी प्लीटिंग थोड़ी सी मुझे बड़ी चाहिए तो मैं दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दूंगी, फर्स्ट हैंड मेजरमेंट, सेकेंड फर्स्ट क्लिक हुई, यहाँ पे मैं पिन सिक्योर कर लूंगी। अभी यहाँ पे दिल्ली नील है आपका ये क्लिप्स जाना चाहिए। कोई कोई क्लाइंट को इतना पसंद लगता है मारवाड़ी स्टाइल, तो आप इतना भी करके दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जनरली अगर ब्राइड है या कुछ है तो हमें इतना रखना ही है, नी लेंथ तक रखना ही है, ना कम ना ज्यादा, ओके। अभी यहाँ पे मैं जिस स्टाइल में मैंने आपको पिनिंग सिखाई थी मैं वो पिनिंग कर देती हूँ। एक पिनिंग यहाँ पे सी, दो पिनिंग लगाने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे भी पिन हो जाएगी और यहाँ पे भी पिन। यहाँ पे अगर ये मैनेजेबल नहीं है ना बिकॉज ऑफ साड़ी जो बोलते ना काइंड ऑफ टेरिकॉटन स्टाइल है, तो उसको मुझे आइनिंग से बिठाना पड़ेगा तब जाके ये परफेक्टली प्लेट्स बैठेगी। पहले हम यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं, सेम जैसे मैंने स्टाइल सिखाया वैसे ही यहाँ पे पूरा पकड़ के हल्का सा, ऑलवेज मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा पीछे, ना कि शोल्डर पे लेना है, हल्का सा बैक साइड एंड यहाँ पे, यहां से पिन यहां तक जानी चाहिए। तो ये मैंने लिया, यहाँ पे पिन डाली एंड इसको
इसको मैंने टर्न किया यहाँ पर। सी द क्रॉस पिन, अभी आ गई। यहाँ से थोड़ा सा डाउन, यहाँ से परफेक्ट है, यहाँ से ये इनका बैक मिडल पोर्शन ये पकड़ के सी, हाँ यहाँ पे, या आप बाद में भी कर सकते हो, यहाँ पे आपकी जो प्लेट्स आती है या आप साथ में लेना है तो यहाँ पे पकड़ के वन, है ना। इसके ऊपर भी अगर आपको एक चाहिए तो पहले से थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, तो कैसे बाद में आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी। सेकंड, सी बस पकड़ के यहाँ पे इसको मैंने टाइट कर दिया एंड यहाँ पे मैं इसको पिन कर दूंगी। कैसा बैठा है ये इसका, अच्छे से एकदम परफेक्टली मैनेजेबल। ये तो मेन प्रॉब्लम हमें यहीं पे आती है ना, ये बाहर से करोगे तो चलेगा। अब यहां से पिनिंग स्टार्ट करते हैं, स्लिप स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो एंड पार्ट है वो यहाँ पे खींच लेने का, ऐसे और अगर यहाँ का फ्लिप्स ज्यादा आ रहा है तो क्या करना है, इसको छोड़ के इसको थोड़े से आगे से ले लेना, यहाँ पे ये रिलीव करो, हल्का सा शेप दो, इक्वल करो, यहाँ से ले लो, ठीक है। अब इसको नीचे से पहले मैनेज करते हैं, सेम जैसे हमने गुजराती में प्लेट बिठाई थी वैसे ही थोड़ा ऊपर और हाथ से ना। तो यहाँ पे मैंने आईडी ली है और इस प्लेट को परफेक्टली मैं बिठा दूंगी। टेम्परेचर ठीक है, सी बैठ गए। अभी सिर्फ एक वाली बच्ची है मेरी, इसको फॉल वाली है ना, इसीलिए हमने उसको अलग से ली। सी आगे से देखो कैसे बैठ गई है, टेम्परेचर एकदम आइनिंग का लो लेना है। अगर 230 तक का टेम्परेचर है तो इसमें आपको जो मिनिमम 100, 110 जितना मिनिमम टू मिनिमम है वो टेम्परेचर लेना है, एंड
मेक श्योर बहुत हाई क्वालिटी वाली जो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के लिए यूज करते हो वो यूज ना करो, नॉर्मल यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे, ट्विस्ट एंड ये भी कैसी है, प्लीटिंग्स बार बार हिल जाते हैं बिकॉज ऑफ साड़ी का टेक्सचर ही ऐसा है, कपड़ा ऐसा है कि वो बैठ नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, एक एक इस पे हमने अभी सेट कर दिया है, इस पे हम अभी ये फॉल मिले नहीं इसके लिए इस पे आयरन घुमा देंगे। परफेक्ट, अभी नीचे का तो क्लियर, नीचे भी फ्लोर लेंथ होना चाहिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे है, सी ट्रांजिशन यहां से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है ना साड़ी, इसको भी हमें खींच लेना है हल्का सा बस। सी कभी भी साड़ी साउथ इंडियन में पहनाती हो तो मेक श्योर नीचे पीछे से चेक कर लेना है, बहुत बार वो ऊपर हो ही जाती है। अभी इसको हमें बिठाना है ये पार्ट, तो यहाँ पे अगर टाइम है तो जब भी आप प्लीट्स कर रहे हो ना तभी पहले ही क्लाइंट के आने के पहले आयरन करके रख दो तो भी आपका काम जल्दी होगा, बट कभी कभी क्लाइंट नहीं भी देते हैं, ऑन स्पॉट देते हैं। एक 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 परफेक्टली पहले सेट करो, जब आप खींच रहे हो ना हाथ का फिंगर अंदर डालो साड़ी को खींचो थोड़ा नीचे ताकि हर प्लेट के लिए अपनी स्पेस मिले। ये अभी इतना ऊपर है, थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसको पहले सेट कर देते हैं और फिर इसको पिनिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेट कर, सबसे परफेक्ट साड़ी आपकी यही साड़ी होती है और ये सबसे ज्यादा क्लाइंट पहनते भी यही एक साड़ी है। यहाँ पे पहले पिन कर देते हैं, कितना नीचे होना चाहिए पिनिंग, अभी एंगल यहां से देखना है, बराबर है,
ये फॉल एक साथ मर्ज नहीं करना, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे मर्ज कर देते और ऐसे पिन कर देते, तो दिस इज द रॉन्ग। आपको ये एक 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 को परफेक्टली गैपिंग में ही उसको सेट करना है, हर एक प्लीट्स आपके दिखनी चाहिए। अभी क्या कर रही हूँ, हर एक की गैपिंग इक्वल कर रही हूँ, यहाँ पे जो अनइवन गैपिंग है इतना ही गैपिंग में आपका साड़ी जाना चाहिए। इसको यहाँ से खींचना नहीं है, यहाँ से हाथ डालो तो नीचे आएगी साड़ी और फिर प्लेट बनेगी। बनी बन रही है ना, चेक हुआ अभी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया यहाँ ये साइड में पीना किया चाहिए इसका, इसको मैंने उठाया एक साथ और अंदर से ब्लाउज के साथ अभी यहाँ पे बैक साइड दिस ये निकाल दूंगी अभी, यहाँ पे जरूरत नहीं है रखने की, बट इसको हमें क्या करना है पहले तो आयरन घुमाना है फिर उसकी पिनिंग करें, बिकॉज ये बैठेगी ऐसे ऊपर मैं पिन डाल दूंगी तो भी बैक साइड का तो भी क्या होगा, ये ऐसे ही नीचे तो ऐसे ही रह जाएगा, उसको हमें आयरन करके बिठाना है। अभी पहले तो मैं इसकी अच्छे से प्लीट ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेंगे और यहाँ पे पहले इसको मैं सिक्योर कर लूंगी, ये आ गया परफेक्ट, इसके साथ यहाँ पे अंदर से या बाहर से एक प्लीट उठा के भी कर सकते हो। अभी नीचे की सेट करनी है सेम, ठीक है।
पिंक इधर नहीं जरूरत नहीं है। लालियां तो डाल सकते हो यहाँ पे, जरूरत नहीं है। सब किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, आपने परफेक्ट फिट बिठाई है, यहाँ पे डालनी है तो यहाँ पे डाल सकते हो। दिस इज द ऑप्शन, ये बस इसके लिए कि घिरे हैं, कभी कभी पैर में चप्पल में साड़ी की आ जाते तो निकल जाती है, तो वो निकल भी गई तो फटाक से हम डाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से हम पिन यहाँ पे करके रखते हैं, यहाँ पे कर लेंगे। सो आई होप सेकेंड साड़ी लुक भी आपने एंजॉय किया रहेगा, एंड परफेक्टली प्लीटिंग किस तरह से लेनी है, क्या क्या याद रख सकते। कभी कभी प्री प्लीटिंग बोलते हो बट क्लाइंट बहुत रेयर आपके हाथ में देते हैं, तो जब भी ऐसी प्लीटिंग साड़ी आपके हाथ में आती है तो यू शुड बी रेडी कि आपको हर तरह की साड़ी आपके हाथ में आए तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। वाह वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और ये मोस्ट डिमांडिंग साड़ी है जो आपकी लाइफ में हर कोई कास्ट का हर कोई कास्ट की लेडी पहनेगी ही पहनेगी, इवन गुजराती हो, महाराष्ट्रन हो, साउथ इंडियन हो, बंगाली हो, एनी कास्ट के ये साड़ी कॉमन साड़ी है। बट यस, इतनी डिमांडिंग साड़ी होने के बाद भी परफेक्ट नहीं पहना पाते हम, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा टेक्निक प्रॉब्लम्स होता है, कहाँ से क्या लेनी है साड़ी, परफेक्ट प्लीट्स कहाँ से डालनी है, पिनिंग कहाँ पे होती है, थोड़ा सा हमारा नॉलेज कम होता है या फिर हम प्रैक्टिस नहीं करते या एनी हाउ रीजन। सो दिस इज द टेक्निक, परफेक्टली आप इस तरह से साड़ी पहनाना और अब से जो लुक आपकी साड़ी में आएगा वो अमेजिंग आएगा। नाइस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये स्ट्रेट मशीन कौन सी है? दिस इज द आइकॉनिक मशीन, सिरामिक मशीन है। ये है आइकॉनिक की, दिख रहा है, आइकॉनिक की है एंड सिरामिक प्लेटेड है, बेसिक वन जो हमारी हेयर स्टाइलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, एक हेयर स्टाइलिस्ट हो तो भी अच्छी है, हेयर स्टाइलिस्ट के पास तो ऑब्वियसली आइनिंग हो तो आप साइड रेपिंग भी अभी कर ही सकते हो। हम नवरी साड़ी में अलग अलग वेरिएशन सिखाएंगे ना? यस सिखाऊंगी डियर, सिखाऊंगी सारी, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी सारी वेरिएशन, और सारे वेरिएशन मैंने ऐसे चूज किए कि आपको प्रैक्टिकली सारे वेरिएशन काम आएंगे। फैब्रिक पर स्टिक नहीं हो जाएगी स्ट्रेट मशीन यूज करने से? मैंने टेम्परेचर एकदम इसीलिए लो टेम्परेचर पे वर्क किया है तो कुछ भी नहीं होगा, साड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पल्लू के पीछे एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो जल्दी में दोबारा ना खोल के कैसे मैनेज करना है, एक बार बोलिए ना। क्या साड़ी के पल्लू के पीछे एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो जल्दी में दोबारा ना खोल कर कैसे मैनेज करें? एक्स्ट्रा रह जाते हैं, रह जाती है तो आपके हाथ मेजरमेंट से प्लीट्स करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ब्लाउज हाई नेक है तो? ब्लाउज हाई नेक है तो कवर है पूरा, तो आप ओपन पल्लू रख सकते हो उनके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप ब्लाउज हाँ हो गए हाँ। अभी थर्ड स्टाइल गुजराती में वेरिएशन ले रही हूँ, लॉन्ग गुजराती स्टाइल। तो लॉन्ग गुजराती स्टाइल सबसे पहले तो मैं स्पेसिफिकली बता दूं, जो फर्स्ट गुजराती स्टाइल हमने पहनाई थी वो थी थिन हेल्दी सबके लिए जाती है, बट अभी की जो परफेक्ट मतलब गुजराती में भी होते हैं ना कि मुझे टाइट फिटिंग, मतलब मुझे साउथ इंडियन भी नहीं पहनना है बट मुझे आई वॉन्ट गुजराती स्टाइल बट फिटिंग मेरी स्टाइल कुछ होनी चाहिए, तो उनके लिए तो ये टाइट फिटिंग आपको भी आइडिया आ जाएगी अभी किसको पहना सकते हैं, हेल्दी उनको पहना सकते हैं या स्लिम वाले को पहना सकते हैं, ऑब्वियसली स्लिम वाले को पहना सकते हैं, तो आपका सिर्फ जजमेंट इतना होगा
सेम यहाँ पे मैंने गुजराती लिया है, बट जो ये पल्लू होता है वो नी लेंथ से भी नीचे जाना चाहिए. गॉट इट? नी लेंथ से भी नीचे. क्यों नी लेंथ से नीचे डाल रही हूँ? लॉन्ग गुजराती तो है बट मुझे टाइट फिटिंग करना है ना. वो टाइट फिटिंग वैसे ही पहनते वैसे ही क्या? जो ब्राइड पहनती है वैसे. हाँ मतलब हम ब्राइड को भी पहना सकते हैं, दुपट्टा स्टाइल भी कर सकते हैं इसका, ब्राइड को साड़ी स्टाइल भी कर सकते हैं. यहाँ से मैंने लॉन्ग लिया. आपका मेजरमेंट पहले चेक करना है कि मैंने यहाँ से लिया तो ये आगे रखना, यहाँ से मैंने खींचा तो ये इसका यहाँ पे वी बनना चाहिए. बट ये कैसे अभी भी नहीं हुआ है ना, कम दिख रहा है ना. मतलब आपको क्या करना है, और थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे लूंगी तो ये देखो अब कैसा लग रहा है. अब आ गया ना. ये किसके काम आता है पता है? जहां पे आपका पल्लू हैवी नहीं है या आपकी सिर्फ बॉर्डर वाली साड़ी है, गुजरातियों के में बॉर्डर वाली साड़ी है, तो ये आप बॉर्डर, एक बॉर्डर और दूसरी बॉर्डर यहाँ से दिखा सकते हो. लुक ब्यूटीफुल जब आपकी बॉर्डर वाली साड़ी है तो. क्या हुआ? तो यहाँ पे अभी हम फ्लिटिंग स्टार्ट करते. ये मेरा मेजरमेंट हो गया यहाँ तक का, तीन है क्या पीछे. और मेक श्योर ये साड़ी पहनाते हो बैक का आपका ओपन ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग, क्योंकि पीछे से मैं पल्लू डालने वाली हूँ. ठीक है, वापस से मैं रिवाइज कर देती हूँ. एक टर्न लिया है, फिर मैंने यहाँ पे प्लीट्स बनाई है, इसको भी ओपन कर देती हूँ. ठीक है, चलो वापस से स्टार्ट करते हैं. वन टर्न, यहां से टर्न करके साड़ी वापस यहां तक आई है, एंड देन अगेन गुजराती है तो आपका पल्लू राइट हैंड साइड होना चाहिए. एंड फर्स्ट मैं फ्लिप कर दूंगी प्लेटिंग में. अगर आपके क्लाइंट नहीं आते और आपके हाथ में साड़ी है ना, तो पल्लू लेके आप प्लेटिंग कर दो. ये तो आप कर ही सकते हो, ये 5 मिनट बचा देगा आपका. यहां से स्टार्ट करेंगे. जितना मेरा हाथ है ना, बस हाथ के मेजरमेंट से ही काम करो. इतना इतना से, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, इवन होगा. यहाँ पे पिंस की और अभी ये लंबा पल्लू चाहिए. हने उतना थोड़ा सा नीचे नीचे लो. ये एकदम परफेक्ट स्टाइल है आपके परफेक्ट साड़ी के लिए. मेजरमेंट भी परफेक्टली आएगा, आपकी प्लीटिंग भी देखो एकदम इवनली, ना इधर से आउट दिखेगी. और एक बात याद रखनी, आपकी फर्स्ट प्लीट आपकी बाकी प्लीट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्यादा होनी चाहिए. मतलब आपका फर्स्ट मेजरमेंट ही थोड़ा ज्यादा लो, फिर कम 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 में जाना है. आई थिंक दिस इज इनफ हो जाएगा. ये हुआ सी इनफ है. एक बार पैतों भी मैं चेक कर लेती हूँ. सी अगर ब्लाउज भरा हुआ है ना, तो आप ऐसे भी रख सकते हो भरे हुए ब्लाउज में. यहाँ पे पिन है वो निकाल देते हैं अभी. ये आपका जो पल्लू है पूरा पीछे जाना चाहिए और यहां से आगे.
ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे इसकी पेन हर एक में मैं यही पिन डालूंगी क्रॉस से मैनेज कर लेते हैं प्रॉपरली। इसके लिए जब भी आप ये टर्निंग लेते हो तो देखो साड़ी पूरा पल्लू इतना स्प्रेड रहता है, इसीलिए आपका ये जो पार्ट छोड़ते हो वो थोड़ा अच्छा खासा ज्यादा छोड़ना है, नहीं तो कम रहेगा तो ये बीच में खींचेगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते प्रॉपरली।
और ये बैक, ये जो ऐसे रहता है इसको अंदर मोल्ड कर दो अंदर के डायरेक्शन। कभी भी एक 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 पार्ट साड़ी पहनाती हो तो देखो प्रॉपरली बैठी है कि नहीं, फ्रंट बैक सब। हर एंगल परफेक्टली डन। नाइस मैम, थैंक यू सो मच। और थर्ड स्टाइल के बाद फोर्थ स्टाइल हम नववारी साड़ी लेंगे, सहावारी की नववारी पहनाना सीखेंगे, सिक्स यार्ड्स की नाइन यार्ड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रंट पर देख लिए, इधर तो देख फोटो के सीपिन का ना। चल नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आई होप मजा आ रहा है आप लोगों को। बोल बोल मजा आ रहा है। सिंपल बेसिक साड़ी भी है स्टार्टिंग में। मैम वीडियोस मिलेंगे ना? या वीडियो सेव रहेंगे 6 महीने तक, डोंट वरी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि नहीं? और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से सीखने मिल रहा है, तो ये स्क्रीनशॉट का एक कॉलेज बनाना और जरूर से आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टोरी पे एंड टैग करना मुझे ब्राइडल मेकओवर बाय अनीता गौसर। एंड सो हैप्पी कि अगर आपने मुझसे सीखा प्रैक्टिकली समथिंग अच्छे से आप प्रेजेंटेबल करोगे, दिस इज ऑल्सो मैटर अलॉट, बिकॉज ये एक स्टाइल आपके फुल लुक को प्रेजेंटेबल बनाती है, एक स्टाइलिश लुक बनाती है। सी अगर मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया, हेयर मस्त किए, बट मैंने साड़ी में कुछ भी गड़बड़ी की जो मुझे सूट ही नहीं करी, जो मुझे स्लिम लगना है वो मुझे परफेक्ट साड़ी नहीं दे रही है, सो आई एम नॉट हैप्पी। एक स्टाइल की वजह से भी मैं अनहैप्पी हो सकती हूँ, तो ये क्लाइंट के इसमें भी हो सकता है। माइट बी योर क्लाइंट माइट बी हैप्पी विथ योर स्टाइलिंग, मेकअप क्लाइंट को ज्यादा नहीं चाहिए तो वो बेसिक कोई भी मेकअप आर्टिस्ट दे देती है। चलो हेयर में भी मुझे सॉफ्ट कलर चाहिए, ये भी कोई भी दे देती है। बट अगर आपने परफेक्ट प्लीटिंग साड़ी पहना दी या आपने स्टाइलिश वेयर में दुपट्टा भी पहना दिया तो दे माइट बी इम्प्रेस, बिकॉज प्रैक्टिकली हमें आता है अलग अलग साड़ी पहनाना, इतने परफेक्ट प्लीटिंग हम कर सकते हैं, बट रेगुलर जो क्लाइंट होते हैं उनको प्लीटिंग्स नहीं आती है। सो हम इम्प्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट प्लीटिंग के साथ। एक अच्छा स्टाइलिश दुपट्टा, इनोवेटिव दुपट्टा ट्राई करो एवरी टाइम, कुछ नया दो। क्लाइंट बोलते हैं ना गुजराती तो हर टाइम पहनती हूँ, आप क्या नया दे रहे हो आज? तो यू हैव द चॉइस, यू हैव द मल्टीपल वेरिएशन, बट आपको वो भी समझ में आना चाहिए कि ये दुपट्टा है तो इसके साथ में मैं क्या अलग पहनाऊं जो सूट भी करेगा सामने वाले के, दिस इज ऑल्सो मैटर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। चला आता अपन मराठी साड़ी घालूया आणि नऊवारीची मराठी घालूया, आपण सहावारीची नऊवारी घालूया।
कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ। सहावारी है, सहावारी चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सहावारी की नौवारी में बेसिक आपका फ्रंट ये ज्यादा लेना है, ये वाला पार्ट, बिकॉज ये हम नीचे डालने वाले हैं, बैक साइड में जो प्लीट्स होती है ना उसके लिए। और ये मिडल में आता है, नॉट जनरली जो ब्राह्मणी वगैरह स्टाइल पहनाते हैं वो साइड में जाता है, टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ क्लाइमर, बट दिस साड़ी जब आप सहावारी की नौवारी पहना रहे हो तो मिडल में आपका होना चाहिए, जिससे ये बड़ा रहेगा तो आपका ये नीचे से जाएगा, तो प्लीटिंग करने के लिए आपको इजीली मिल जाएगा। तो दिस इज दी वे, यहाँ पे एक गार्ड बना देते हैं और टाइट रखनी है, टाइट और हो जाएगा साड़ी का हाइट है ना, हाइट है मराठी मुंगी। अभी ये साइड, सॉरी ये साइड का आपको यहाँ से नीचे खींच लेना है, एंड फर्स्ट मैं ये दिखा देती हूँ आपको, टर्न बैक यहाँ से, ओके मेक श्योर ये आपका नीचे नहीं तक हो, नहीं मुड़ेगा साड़ी थोड़ी सी नीचे से पहना। इसका सॉल्यूशन मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी हम ये करते हैं यहाँ पे इसका प्लेट बना देना है ताकि ये आपका ऐसा लुक है। तो यहाँ से प्लेटिंग करेंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, 1, 2, दिस इज वेरी इजीएस्ट वे एंड क्विक स्टाइल आप पहना सकते हो। जाना पड़ेगा ना, मैं पकड़ू यहाँ पे, आप पिन मार के रख सकते हो, फिर इसको प्रॉपर बिठाना है। यहाँ पे एक पिन मार के रखते हो, एक तो मॉडल की हाइट भी ज्यादा है, साड़ी ऑब्वियसली हाइटेड नहीं होती है, या फिर अगर उनकी खुद की साड़ी होती है तो थोड़ा सा वो बढ़ा सकते हैं, बट इसमें तो वो भी चांस नहीं है। पहले इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, मोस्टली अगर हाइट कम है तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पिन कर दिए, ये तो क्या निकल जाती है बिट उठने बैठने में। पहले मैं यहाँ पे इसको पिन कर देती हूँ और फिर इसकी प्लीटिंग को ठीक करती हूँ। बहुत इजी है, क्विक कर सकते हो, अब ट्राई करना, आराम से हो जाएगी आपसे। यहाँ पे मैंने सिक्योर कर ली अंदर से, अभी ये जो दिख रहा है नहीं दिखना चाहिए, ऑब्वियसली कोई भी साड़ी में दिखेगा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मेरी टेक्निक यूज करो, एक साइड इसको बिठा दो, देखो अभी बैठ गए। यहाँ पे भी चाहिए तो मैं आपको फिर कर देती हूँ ताकि ये आयरन घुमा दो मस्त एकदम परफेक्टली, बट अभी टाइम नहीं होगा तो क्या कर सकते, एट प्रेजेंट पिन
ये हो गया मेरा वन साइड का काम डन। अब वापस से मैं फ्रंट में लेती हूँ मॉडल को। अब एक साइड का तो मैंने ले लिया, अभी ये जो दिख रहा है ये इसको हम यहाँ पे पिन कर देते हैं ताकि ये पार्ट पीछे से दिखे। ये लास्ट में करती हूँ। अब मैं यहाँ से ये वाला जो पार्ट है बचा हुआ, अब मेरे क्लाइंट के राइट हैंड साइड से मैं घुमाऊंगी, मतलब यहाँ से डालना है पूरा सेक्शन। हो गया, ये मैंने यहाँ से डाला। इधर से आया बाहर राइट, और हम इसको यहाँ से इस तरह से पुल अप टर्न फ्रंट यहाँ से। इसको हम प्रॉपरली प्लीट से बिठाएंगे। अब साड़ी अच्छी खासी थी, बड़ी थी, तो इसका फॉल अच्छा खासा बड़ा आया है। इसको अभी मैं प्रॉपरली प्लीटिंग करके बिठा देती हूँ। ये अच्छी साड़ी थी, बड़ी थी और थोड़ा सेम वे प्लीटिंग का एक स्टाइल। ऑलवेज बैक मेरे सामने, फ्रंट सामने, वन टू, कितना लेना है उसके हिसाब से। ये भी साड़ी वैसी है, बैठ नहीं रही। सी इसके भी फॉल तुरंत, किसी किसी के साड़ी के फॉल बहुत कम बैठते हैं। डोंट वरी, आप एक 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 क्लिप्स ले लो, फिर उसको हम सेट करेंगे। मेक श्योर आपके क्लिप्स एक ये साइड एक ये साइड है, ठीक है। लगा ना या आप चाहो तो पहले से करके रख सकते हो, फिर आप साड़ी पहनाना स्टार्ट करो। फिर अभी पिनिंग कर देंगे। इसको भी मैंने कितना लिया है, सिर्फ पड़ा था तो भी नील तक ही लिया है। यहाँ पहले पिन कर देती हूँ।
टर्न बाद में करेंगे, आगे कर देते हैं। बस इसमें एक याद रखना कि आपका कमर पट्टा चाहिए तो इसका लुक ज्यादा अच्छा आता है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा बचता है टर्न बैक को यहाँ पे ये नीचे पिन करना है। यहाँ पे पिन कर देते हैं। Thank you.
सामने उसका मिठक बराबर नीचे दोनों को मिला के ताकि पैर बहुत ज्यादा खुले टर्न टर्न Thank you.
फुट बैठा कमेंट्स ऑन करूं साउथ इंडियन बॉक्स प्लेटिंग सारी शिकवणार का मैम आपके साथ वहाँ काम कर सकते हैं वाह खूब छान मैम यस मैम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सावारी तू नवारी दाखोली यस पकड़ लो ना ऐसे हाथ में वो ये इधर इधर पिन की जगह सुई धागा डाल के भी सिल सकते हैं ना yes, कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते मैम इसमें आगे प्लीट नहीं आती नहीं इसमें नहीं आती आगे नववारी साड़ी कफ रहती है ना वो एकदम नाइन ग्राम की साड़ी रहेगी ना उसमें आगे प्लीट आएगी नववारी साड़ी से दाखवणार ना मैम yes, कल कल वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैम नाइस नहीं ये हाथ का नहीं लिया वीडियो 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 पेटीकोट कौन से कंपनी का है एंड ये नववारी स्टाइल ड्रेपिंग के साथ क्या पहनाया शॉर्ट्स अंदर और एल्स आप लेगिंग्स पहन के उसको ऊपर करा सकते हो टर्न फुल टर्न आगे टर्न हो स्टार वेट टर्न टर्न एक बार फिर छोड़ दे बस ब्राह्मणी नववारी साड़ी ड्रेपिंग दाखवणार का ब्राह्मणी हाँ ब्राह्मणी दाखवे मैडम जी प्लीज साड़ी से लहंगा स्टाइल बताइए वो कल दिखाऊंगी मैं डोंट वरी धागे का कलर कौन सा होना चाहिए सिलाई करते समय आप चेक करो थ्रेड कैसा है अभी इसमें मैं पिंक डालूंगी तो दिखाएगा व्हाइट डालूंगी तो नहीं दिखेगा तो मेक श्योर यू यूज व्हाइट अगर ये कलर नहीं है तो ब्लैक किसी भी कलरफुल इसके पहले वाली साड़ी जो थी नववारी उसमें मैं ब्लैक थ्रेड भी यूज करूँ तो नहीं दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट इज द कॉमन वन आप रख सकते हो अब यहाँ पे नए स्टाइल की साड़ी अब एकदम सॉफ्ट साड़ी है सो इसमें हम क्लाइंट आते हैं स्टाइलिश साड़ी लेके तो ऑब्वियसली ओपन पल्लू पहनेंगे या तो कुछ स्टाइलिश वेयर चाहिए स्टाइलिश वेयर क्या कर सकते हैं वो देखते हैं ऑलवेज स्टार्ट विथ योर फॉल फॉल नहीं है तो भी आपको मेजरमेंट किसे लेना है यहाँ से ये पल्लू का पार्ट हुआ साड़ी मैंने यहाँ से पकड़ी कोई कोई ऐसे बिना फॉल के भी आ जाते तो हमें कैसे समझेगा सीधा उल्टा क्या है ये वर्क है ऑलवेज इसका उल्टा सीधा रहता है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है आपको साड़ी कैसे और राइट हैंड साइड नीचे आपका फॉल होता है अगर नहीं है तो भी यही मेजरमेंट से आपको लेफ्ट हैंड साइड के मेजरमेंट से आपको सी नीचे फॉल आया तो ये आपका डालने वाला पार्ट हुआ तो इससे आपकी साड़ी हिलती नहीं हो यहां से अब मैं स्टार्ट कर रही हूं
एक है जिसमें साड़ी बहुत बड़ी होती है, एक है जिसमें साड़ी बहुत छोटी होती है। परफेक्ट एकदम फ्लोर लेंथ। अगर हिल्स पहन रहे हैं तो वही सेम लॉजिक, थोड़ा सा और नीचे डाल दो, या तो फिर दिस इज द परफेक्ट फ्लोर लेंथ साइड। घर पे भी अगर चल रहे पहन रहे तो फ्लोर लेंथ साइड। ब्राइड है तो हिल्स पहन के रिसेप्शन में एंगेजमेंट में खड़ी रह रही है, तो उनको बोल दो हिल्स पहन लो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे ले लो। ये हो गया, यहां तक आई। अब यहां से साड़ी लेते हैं एंड नॉर्मल साउथ इंडियन जैसे पहनाई थी वैसे ही पहनाएंगे। साउथ इंडियन राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर कौन बताएगा, कौन सा शोल्डर राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट अभी याद रहेगा ना। सी अभी ऐसे लेनेगा क्लाइंट की ऑलवेज आपके लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट स्टार्ट करने की, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू लेंथ। बड़ा चाहिए आगे से गैप थोड़ा छोड़ दो, मैंने आगे छोड़ दिया देखो, फिर मेरा खुद से वो बड़ा आ गया। छोटा चाहिए तो मैंने मेरा थंब भी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा और प्लीटिंग स्टार्ट की। जजमेंट पहला वाला जब भी लेते हैं, ये फर्स्ट प्लीट लिया उसको सेकेंड प्लीट से थोड़ा सा कम लेना तो ही वो बाहर नहीं दिख के आएगा, नहीं तो सेम लेंगे तो क्या होगा बाहर दिख के आता है। तो ये आपका मेजरमेंट ऑलवेज फर्स्ट से हल्का थोड़ा सा छोड़ दो देखो, है ना, फिर वही मेजरमेंट आपका कंटिन्यू यहाँ तक ही। इसीलिए हम थंब उतना ही दूर रखते हैं जितना दूर आपका मेजरमेंट चाहिए, इसीलिए मैंने वन फिंगर का गैपिंग रख के ही मेरा थंब पकड़ा है। सिंगल सेम साइड आया, मैं क्या करूंगी अब ये करते करते सेम आया, उल्टा होना चाहिए, या तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के लास्ट की दो और छोटी कर दूं, है ना, एडजस्ट कर सकते हो, पूरा खोलने मत जाओ। अब यहां से मैं यहाँ पे इससे इट्स वेरी लो मटेरियल है तो कैसे आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो उसको, थोड़ा कॉटन और ये रहता है, थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ती है किसी की हेल्प की, एल्स नो नीड। साउथ इंडियन स्टाइल है तो वही स्टाइल का लेने का, मैंने आपने मार्क किया, मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया नहीं है ना, जो परफेक्ट प्लीटिंग वाली करती थी मैं वो नहीं किया मैंने।
रैंडमली इसको इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके लगाएंगे। हल्का अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के देखो एक्स्ट्रा रखा है, सी यू सी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, नहीं तो हम क्या करते टाइट करते। यहाँ पे ये टाइट करने के बजाय अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये ले रही हूँ बैक साइड से एंड यहाँ से ये लेके हम इसको यहाँ पे पिन करेंगे ताकि ये पल्लू मैं ऐसे स्प्रेड नहीं करने वाली, ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे पिन कर देंगे, ठीक है। ये साड़ी कब कर सकते हो, जब ब्लाउज आपका अच्छा खासा है तब, अगर वर्क ही नहीं है ब्लाउज में तब ये कॉन्सेप्ट आप मत करके, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। बैक में भी यहाँ पे पिन कर दो, दैट्स इट, हो गया। चलेगा, अच्छा लग रहा है नीचे। सिरे मम्मी ये हटाना, ये ट्रॉली थोड़ा सा ऐसे क्यों आते हैं अंदर, इसलिए वीडियो कर रही है, घूम रही है। स्टार्ट टर्न फ्रंट से थोड़ा, ऐसे रहे, मेरे को फोटो निकालना, वन साइड थोड़ा ये साइड टर्न, हाँ बस एक लास्ट। हाउज़ इट, दिस साड़ी कैसी लगी है, और इसके बाद एक लास्ट फाइनल साड़ी उल्टा गुजराती स्टाइल में स्टाइलिश वेयर। सो एक लास्ट गुजराती स्टाइल पहनाते हैं, फोटो वीडियो हो गया, आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया, वहाँ पे हुआ। मैम कौन सी साड़ी है,
दिस इज द रेट्रो स्टाइल साड़ी. सो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल, गुजराती स्टाइल जनरली कहाँ होता है, राइट राइट, तो ये टाइम मैं कुछ नया कर रही हूँ, राइट के जगह पे लेफ्ट कर रही हूँ. कमेंट्स ऑफ कर. यस. सो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखिए यहाँ पे मैंने प्लीट्स ले ली, इस साइड यही साइड होती है ना, वो साइड होती है, गुजराती साइड वो साइड. मैं देख रही थी आप क्या बोल रहे हैं, आप लाइट पे ना रहे ना, अभी तो लाइट ये साइड भी चलेगी. सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, गुजराती में यहाँ से लेके पूरा आगे आती हूँ, राइट हैंड शोल्डर से हम यहाँ पे जाते हैं, बट ये टाइम मैं क्या करती हूँ, यही से मेरा प्लीटिंग लेके मैं यही से उसको टर्न ले. क्या किया मैंने वापस से बता दी, एक मैंने पूरा टर्न लेके आई, वन टर्न लेके मैं यहां तक आई, अब मेरा प्लीट्स बनेगा. दिस इज द मोस्ट अमेजिंग स्टाइलिश वे, अगर गुजराती टिपिकल गुजराती अगर किसी को नहीं चाहिए. सो मैं यहां से प्लीट करूंगी, राइट, यही साइज मैं ले रही हूँ प्लीटिंग के लिए, एंड मेरी प्लीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ. जैसे लॉन्ग गुजराती मैंने राइट हैंड शोल्डर से पहनाई, वैसे ही लेफ्ट हैंड शोल्डर से पहना रही, बट मेक श्योर आपकी प्लीटिंग आप गड़बड़ मत करना, जो जैसे ले रहे हो वैसे ही कंटिन्यू करनी है, राइट एंड लेफ्ट. अब आप बोलोगे ये अंदर चला गया, ये आपका बाहर आना चाहिए था, नहीं, ये दिस इज द परफेक्ट वन, यही आपकी स्टाइल है. थोड़ा सा जैसे लॉन्ग गुजराती में लेते हैं ना, वैसे ही लेना है आपको. यहाँ पे पिन कर देते हैं. ठीक है, यहां से तो हुआ, बट इसके पहले अभी ये जो बचा हुआ है, सी यहां से ही फॉल है ये पूरा, पहले इसको मैनेज करते हैं, फिर यहां से उसको लगा, इसका प्लेट बना दीजिए. थोड़ा सा गैपिंग छोड़ना है क्योंकि मैं यहाँ से प्लीट खींचने वाली हूँ ना, जैसे लॉन्ग गुजराती राइट हैंड शोल्डर से की, वो मैंने सेम लॉन्ग गुजराती ही की बट लेफ्ट हैंड शोल्डर से, मतलब डायरेक्ट टर्न लेफ्ट हैंड शोल्डर पे आ गया मेरा, ये तो राइट शोल्डर पे टर्न होना चाहिए था, वो क्या आ गया, यहाँ से ऐसे आना चाहिए था, वो मैंने यहीं से उसको वापस ले लिया. उल्टा बोला जाए तो साउथ इंडियन एंड उल्टा गुजराती भी बोल सकते हो. यहां से इसको ऐसे ही ओपन रखेंगे ये वाला पार्ट. अब यहां से आपको ये जो ऊपर का साइड है वही आपको खींचना है यहां से. यहां पे आपकी पिनिंग आ जाएगी.
ब्रेक बैक टर्न करते, नहीं तो ये आगे आ जाएगा क्योंकि हमने सीधा पल्लू लिया है ना, स्ट्रेट लिया है। और नीचे से बहुत फास्ट क्विक हो जाती है साड़ी पहनने में। वाव मस्त, कौन सी साड़ी है? उल्टा गुजराती। ओके सो दैट्स इट। या आप ऐसे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां आती हैं तब आप ऐसे स्टाइलिश वेयर पहना सकते हो, जब वन काइंड मतलब कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, इनफैक्ट अगर बॉर्डर है तो भी आप ये पहना सकते हो, अच्छी लगती है साड़ी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल दूसरे साड़ी और दुपट्टा स्टाइल हम सीखेंगे, और आज के लिए आज आप इतना प्रैक्टिस करना, जिसको भी प्लीटिंग्स नहीं आती है मेक श्योर आप प्लीटिंग्स करें, स्वतः स्वतःला साड़ी नेसवायला शिकवाना स्लिम दिसण्यासाठी। ये सारी स्टाइल आप खुद भी पहन सकते हो, बंगाली साड़ी। यस डियर, बंगाली साड़ी भी आएगी, डोंट वरी, बंगाली साड़ी भी मैं सिखाने वाली हूँ। ये नेट साड़ी है? नहीं नहीं, इट्स काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, शिफॉन भी नहीं, क्रैप, क्रैप जैसा है, एकदम सॉफ्ट क्रैप कपड़ा है, नेट नहीं है, नेट ट्रांसपेरेंट होता है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, अभी ये सारे बहुत चल रहे हैं, जैसे वो पेपर टिश्यू पेपर वाले साड़ी या ये साड़ियाँ बहुत इन है, रनिंग है। वीडियो मिलेगी, वीडियो सेव रहेगी, वीडियो सेव रहेगी डियर, ये आप देख सकते हो, 6 मंथ्स तक सेव रहेगी, आप प्रैक्टिस करना। जॉर्जेट नहीं है, जॉर्जेट कपड़ा तो एकदम अलग होता है, ये जॉर्जेट नहीं है, साउथ इंडियन बॉक्स प्लेटिंग साड़ी शिकवणार का नहीं, ये सिलेबस में मैंने बॉक्स प्लेटिंग वाली साड़ी नहीं डाली है, डिजाइन आप रेडी टू वेयर कर सकते हो वैसी है। टुमारो साड़ी से लहंगा स्टाइल बताएंगे, यस साड़ी से लहंगा स्टाइल होगा, डोंट वरी, इट्स लुक लाइक साड़ी टर्न इनटू गाउन, ये है साड़ी टर्न इनटू गाउन, इट्स अ स्टाइलिश वेयर, जो मतलब टिपिकल स्टाइल साड़ी ना लगे बट थोड़ा सा स्टाइलिश वेयर आप बोल सकते हो। तो ये सारी साड़ी अगर आप कभी सेल्फ मेकअप भी करते हो या पार्टी में कहीं जाते हो तो आप ये जरूर से पहन के आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो समथिंग डिफरेंट पे। ये आप स्टाइल आपके क्लाइंट को दोगे तो डेफिनेटली दे लव इट। विश्वास सारी दाखवा,
पेशवाई साड़ी मी काली काल दाखवणार काल उद्या उद्या सॉरी उद्या दाखवणार ओके सो सी यू टुमारो एट 2 PM ऑन द सेम ID सेम लिंक सो जरूर से ज्वाइन कीजिए और आज जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट निकाला है रैंडमली सेपरेटली भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कोलैज बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है सबको मैं रीमेंशन करूंगी सो सी यू सून एंड टेक केयर बाय बाय